आज फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है, जहां हम आपको एक मजेदार, डिलीशियस और हेल्दी मटर चाट बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं ड्रेसिंग हमारे मटर चाट के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा धनिया, टमाटर, बारीक कटी हुई मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लाइम जूस। अब इसे साइड में रख दीजिए। अब एक फ्राइंग पैन ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल लीजिए और तेल गर्म होने पर हम एक चम्मच मस्टर्ड सीड्स डाल लेंगे और उसके बाद एक चम्मच लहसुन डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। जैसे ही लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप गैस बंद कर दीजिए और इस तड़के को हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला लेंगे। अब आप इसे बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे और वापस अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें चाहिए एक कटोरी बॉयल्ड मटर, थोड़े से स्प्राउट्स, और ड्रेसिंग जो हमने अभी अभी तैयार की है। अब हम एक एक करके यह सारी चीज़ें मिला लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बोल में हमारे बॉइल्ड मटर ऐड करेंगे। उसके बाद हम स्प्राउट्स ऐड करेंगे। और लास्ट में हम इसमें ड्रेसिंग ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लें ताकि सारी चीज़ें अपने आपस में अच्छे से मिल जाएं। सारी चीज़ें अच्छे से मिलाने के बाद अब हम अपनी प्लेटिंग शुरू करेंगे। तो प्लेटिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक प्लेट और उसमें अपना बनाया हुआ मटर चाट रख देंगे। अब हम गार्निशिंग के लिए अपने बचे हुए ड्रेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो लीजिए, हमारा टेस्टी एंड मजेदार मटर चाट तैयार है। आशा है आप सभी को यह पसंद आएगी। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस मज़ेदार रेसिपी का मज़ा लीजिए।